नमस्कार, nishamadhulika.com में आपका स्वागत है। आज हम समोसे बनाएंगे। समोसे हमारे यहाँ का स्ट्रीट फूड है और बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। गर्मा गर्म समोसे अगर सामने बन रहे हों तो भूख नहीं भी है तो भी समोसे खाने का मन कर जाता है। तो आइए समोसे बनाना शुरू करते हैं। तो समोसे बनाने के लिए सबसे पहले हम आटा लगा करके तैयार करेंगे। तो हम समोसे का आटा लगा लेते हैं। मैदा को हमने बड़े प्याले में ले लिया है। अब हम इसमें नमक और ये घी डाल करके अच्छे तरीके से मिलने तक मिक्स करेंगे। कुछ लोगों की शिकायत रहती है कि समोसे के ऊपर बबल आ जाते हैं, तो वो बबल नहीं आए इसके लिए हम समोसे के आटे में जो मोयन डाल रहे हैं वो हम घी का डाल रहे हैं। घी का मोयन डालने से बबल नहीं आएंगे और दूसरा हमारे समोसे बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बनेंगे। ये हमने घी और नमक मैदा में मिक्स कर लिया। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर समोसे के लिए सख्त आटा गूंथ करके तैयार करेंगे। अब पूरी इसके आटे से थोड़ा सा सख्त आटा गूंथेंगे। ये हमने थोड़ा सख्त आटा गूंथ करके तैयार कर लिया है और इतना आटा गूंथने में 1/4 कप और 1 टेबल स्पून। तो ये आटा हमारा गूंथ करके तैयार है। आटे को हम ढक करके 20 मिनट के लिए रख देते हैं और आटा हमारा सेट हो जाएगा। इसके बाद हम समोसे बनाएंगे और जब तक हमारा आटा सेट होता है तब तक हम समोसे के लिए स्टफिंग बना करके तैयार कर लेते हैं। स्टफिंग बनाने के लिए हम ये काजू थोड़े छोटे छोटे काट लेंगे। एक काजू के 4-5 टुकड़े कर लेंगे और काजू अगर आप नहीं चाहें तो नहीं डालें, लेकिन काजू अच्छे लगते हैं और आप चाहें तो समोसों में किशमिश भी डाल सकते हैं। हमने काजू काट लिए और अब हम आलू भी छील लेते हैं। इधर हमने पैन गरम कर लिया है। पैन में हम 1 टेबल स्पून तेल डाल देंगे। तेल को गरम होने देते हैं। हमारे आलू छिल चुके हैं, इधर हमारा तेल भी गरम हो गया है पैन में, तो हम स्टफिंग के लिए मसाला भूनते हैं। गैस थोड़ी धीमी रखेंगे और अदरक डाल देंगे तेल में और थोड़ी सी हरी मिर्च डाल देंगे। ये हमने 2 मिर्च काटी है, लेकिन मैं थोड़ी सी कम डालूँगी क्योंकि मुझे ज़्यादा मिर्ची अच्छी नहीं लगती। तो आप भी अपनी पसंद के अनुसार हरी मिर्च कम ज़्यादा कर सकते हैं। लाल मिर्च अगर आप नहीं चाहें तो नहीं डाल सकते हैं। थोड़ा ज़्यादा तीखा खाना चाहें तो थोड़ी सी ज़्यादा डाल सकते हैं। और अब हम डालेंगे मटर के दाने और मटर के दानों को हम थोड़ी देर पकने देंगे, क्योंकि ये ताजी मटर के दाने हैं, इन्हें हमें थोड़ा सा नरम करना है। तो इन्हें हम थोड़ा सा पकने देते हैं। मिक्स कर दिया और अब हम पैन को ढक देंगे और 2 मिनट इन्हें हम धीमी आग पर थोड़ा नरम होने तक पकने देंगे। 2 मिनट हो गए हैं और हमारी मटर भी थोड़ी सी नरम हो गई हैं। अब हम ये आलू तोड़ करके डालेंगे। छोटे छोटे तोड़ देंगे, बहुत ज़्यादा मोटे नहीं और एकदम बारीक नहीं। आलू के टुकड़े रहने चाहिए। यह हमने आलू तोड़ दिए और अब हम डालेंगे बचे हुए मसाले। तो सबसे पहले हम नमक डाल देते हैं, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, धनिया पाउडर, अमचूर पाउडर, ये काजू भी डाल देते हैं और सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स होने तक आलू को भूनना है। अब हम गैस थोड़ी मीडियम रखेंगे। जो आलू के बहुत ज़्यादा बड़े टुकड़े दिख रहे हैं उन्हें हम अपनी कलछी से तोड़कर थोड़ा छोटा कर लेंगे। ये आलू मटर को हमने पूरे 4-5 मिनट तक अच्छे तरीके से भून लिया है। सारे मसाले मिल गए हैं, अच्छी सी खुशबू आ रही है और हमारी स्टफिंग बन करके तैयार हो गई है। तो हम गैस बंद कर देते हैं और स्टफिंग को अलग प्याले में निकाल लेते हैं ताकि ये
जल्दी से ठंडी हो जाएगी। स्टफिंग बन गई है, इसे ठंडी होने देते हैं और 20 मिनट भी हो चुके हैं, तो हम अपने आटे को थोड़ा सा और मसल लेते हैं। हम लोइयां तोड़ करके तैयार करते हैं, तो हम एक नींबू के बराबर की लोई तोड़ लेते हैं। ये हमने लोइयां तोड़ करके तैयार कर ली और इतने आटे से हमने ये 7 लोइयां बना ली हैं। लोइयों को मसलते हुए गोल करेंगे इस तरीके से, यानी कि एकदम चिकनी अच्छी गोल लोई बन करके तैयार होनी चाहिए। तो ये हमने लोई बना ली और अब हम इसे बेलेंगे। इन्हें ढक करके रख लेते हैं, एक एक लोई उठाते जाएंगे और बेलकर समोसे भरकर तैयार करेंगे। एक लोई उठाएंगे, अच्छे तरीके से मसल कर गोल करेंगे, एकदम गोल कर लेंगे चिकनी और गोल लोई। अब हम इसे बेलेंगे, तो हमें इसे 7-8 इंच के व्यास में बेल करके तैयार करना है। और बेलते समय ध्यान रखना है कि जो हमारी पूरी है वो चारों तरफ से एक जैसी बिले, ऐसा नहीं हो कि वो बीच में पतली है और किनारे मोटे हैं। तो पूरी बेलने के लिए हमें ध्यान रखना है कि हम किनारे से दबाव देते हुए उसे बेलें। हम इसको थोड़ा सा लंबाई में बेलेंगे। चकले को भी इस तरीके से घुमा सकते हैं। यह हमने थोड़ा सा लंबाई में ओवल शेप देते हुए पूरी को बेल लिया है और अब हम इसे बराबर के 2 भागों में काट कर तैयार कर लेंगे। तो बीच से हम इस तरीके से कट लगा दें। एक प्याली में हमने थोड़ा सा पानी ले लिया है जो हमें समोसे चिपकाने के लिए चाहिए। तो एक पूरी हम उठा लेते हैं और थोड़ा सा आधे हिस्से पर जो हमने काटा है ना, उसके आधे हिस्से पर हम पानी लगाएंगे। तो उंगली से हम इस पर पानी लगा लेंगे। देखिए, अब हम दूसरे हिस्से को इसके ऊपर रखेंगे और चिपका देंगे। देखिए, पूरा नीचे तक दबाते हुए हमें इसे चिपकाना है। ये हमें एक कोन बनाकर तैयार करना है। ये देखिए, हमारा कोन बन गया है और अब हम इस कोन में स्टफिंग डालेंगे। तो करीब 2-2.5 चम्मच स्टफिंग हम इसमें डाल देंगे। ये हमने स्टफिंग डाल दी और अब हम ऊपर से भी समोसे को बंद करेंगे। तो हम पानी को चारों ओर पहले उंगली से थोड़ा सा पानी लगा लेंगे। ये पानी लगा लिया, अब हम आगे की ओर एक प्लेट डालेंगे। देखिए, हमने इस तरीके से इसको फोल्ड कर लिया, ये एक प्लेट जैसी बन रही है। ये प्लेट हमने बना ली और अब हम समोसे के दोनों किनारों को चिपका देंगे, मिला करके बस दबा देंगे इस तरीके से। तो ये देखिए, ये समोसा हमारा बन करके तैयार हो गया। ये प्लेट दिखाई दे रही है और इधर से ये जॉइंट दिखाई दे रहा है। समोसे को हम प्लेट में रखने के लिए इस तरीके से रखेंगे ताकि हमारे समोसे की शेप ख़राब ना हो। तो ये सारे समोसे हमें इसी तरीके से बनाकर तैयार करनी है। थोड़ी सी प्रैक्टिस से ये बिल्कुल आसानी से बन जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि इसमें कुछ भी कठिनाई हो। ये देखिए, ये हमने सारे समोसे भर करके तैयार कर लिए हैं और इन समोसों को अब हम थोड़ी देर के लिए, आधा घंटे के लिए छोड़ देते हैं।
इसके बाद हम तलेंगे। समोसों को थोड़ी देर के लिए अगर भर करके छोड़ दें तो भी समोसे के अंदर तलने पर बबल नहीं आते, तो हम इन्हें थोड़ी देर के लिए, आधा घंटे के लिए ऐसे ही रखे रहने देते हैं। इनके ऊपर हम एक कपड़ा ढक देंगे ताकि ये सूखे नहीं। आधा घंटा हो गया है और अब हमारे समोसे तलने के लिए तैयार हो गए हैं। इधर हमने तेल गरम होने रख दिया है। तेल हमारा जैसे ही गरम हो जाएगा हम समोसे तलेंगे। तेल गरम हो गया है और समोसे हम तलने के लिए तेल में डाल देते हैं। समोसों को पलट पलट कर दोनों ओर अच्छे गोल्डन ब्राउन होने तक तलेंगे। ये समोसे हमारे चारों ओर से अच्छे गोल्डन ब्राउन सिक करके तैयार हो गए हैं। इन्हें हम निकाल लेते हैं। और बचे हुए समोसे भी इसी तरीके से डालकर तलकर तैयार करेंगे। समोसे अच्छे गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, इन्हें हम निकाल लेते हैं। समोसे तलने के लिए तेल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, तेल हमें मीडियम गर्म चाहिए और आग भी धीमी और मीडियम रखेंगे। ये समोसे भी अच्छे गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, इन्हें हम निकाल लेते हैं। एक बार के समोसे तलने में 7-8 मिनट लग जाते हैं। समोसे बनकर के तैयार हैं। बहुत ही अच्छे समोसे बने हैं, बहुत ही क्रिस्पी समोसे बने हैं और इन्हें बनाना बहुत आसान है। बस थोड़ा सा ध्यान रखना है। हमारे बहुत सारे व्यूअर्स की शिकायत रहती है कि समोसे के ऊपर बबल्स आ जाते हैं, तो अगर आप आटे में तेल की जगह घी डालेंगे और आटे को थोड़ा सा सख्त गूंथेंगे, समोसे भर करके उन्हें आधा पौना घंटे के लिए ढक करके रख लेंगे और फिर समोसे तलेंगे तो उनमें बिल्कुल बबल नहीं आएंगे। और बहुत सारे व्यूअर्स कहते हैं कि समोसे तलने के बाद नरम हो जाते हैं, तो अगर आप समोसे धीमी आग और मीडियम आग पर तलेंगे तो समोसे बिल्कुल नरम नहीं होंगे, समोसे अच्छे क्रिस्पी बनेंगे। तो आप ये समोसे बनाइए, खाइए और अपने अनुभव nishamadhulika.com पर शेयर कीजिए। एक बार फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, और मेरे चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कीजिए।